ये ईरान का शिराज शहर है, ईरान के दक्षिण पश्चिम में खूबसूरत शहर जिसकी हर पुरानी इमारत इतिहास के खिताब की तरह किसी दौर की कहानी बयां करती है। ये इमारतें उस दौर का जिक्र भी करती हैं जब यहां सफाविद हुकूमत थी, जब यहां से कुछ लोग घोड़े बेचने के लिए हिंदुस्तान गए थे। घोड़ों के वो कबायली सौदागर कभी ईरान वापस नहीं लौटे, जहां रहे वहीं उन्होंने मिनी ईरान बना लिया। सिराज शहर से 3000 किलोमीटर दूर बिहार में वो जगह है जहां सिराज से ईरानी आए थे, हिंदुस्तान जहां फारसी बोली जाती है, बाकी जिंदगी में तो हिंदुस्तान गुजर शुदा, जहां खाना पहनावा शादी सब कुछ ईरानियों की तरह है। उस इलाके की पहचान ही मिनी ईरान बन गई। भारत की खोज में आपको ले चलेंगे हिंदुस्तान में बसने वाले मिनी ईरान में। आज आपको हम ईरान लिए चलेंगे। जी हाँ, ईरान, मगर ये ईरान बिहार में बसता है। बिहार में पटना से 400 किलोमीटर दूर किशनगंज, और किशनगंज में है मोतीबाग करबला, जहाँ बसता है ईरान। ईरानी मूल के यहाँ पर कई परिवार दशकों से रहते हैं। रहन सहन, खान पान, भाषा सब कुछ ईरानी, मगर कहते हैं कि दिल है हिंदुस्तानी। चलिए आपको लिए चलते हैं बिहार में बसने वाले ईरान। किशनगंज बिहार के उत्तर पूर्व का एक छोटा सा जिला, जिसकी सीमा एक तरफ पश्चिम बंगाल से तो उत्तर में नेपाल से मिलती है। किशनगंज की यूं तो कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन किशनगंज के मोतीबाग करबला में एक अलग ही दुनिया बसती है। 13 बीघा जमीन में फैली इस बस्ती के लोग जब आपस में बात करते हैं तो भाषा ऐसी होती है कि इनके पड़ोसी मोहल्ले वालों को समझ नहीं आता। इनके रीति रिवाज अलग हैं। ये रहते हैं किशनगंज में, लेकिन बिहार की संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं। इस मोहल्ले में बस ईरान की खुशबू, यहाँ ईरानी व्यंजन पकते हैं, यहाँ फारसी बोली जाती है और यहाँ ईरानी रस्म व रिवाज है। कहा जाता है कि यही वो कबायली हैं जिनके पूर्वज करीब 500 साल पहले शिराज शहर से हिंदुस्तान आए थे। सलाम इस्तकबालिता। जी हाँ, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ पर सब कुछ ईरानी है। ये बिहार में रहने वाले ईरानियों का एक गांव है और वहाँ हम पहुँचे हैं जावेद के घर। जावेद के घर जावेद की माँ मौजूद है, जावेद का पूरा परिवार मौजूद है। कब से रह रही हैं चाची? यहाँ से हम लोगों को 40 बरस हो गया। 10 बरस हम लोगों को रोहिदास से हो गया। रोहिदास से घर तोड़ा तो हम लोगों इधर गया करबला, और फिर वहाँ से आया तो फिर यहाँ बस गया हम लोगों पर। कैसा लगता है, ईरान के लोगों का कल्चर क्या, संस्कृति क्या होती है? लोग कहते हैं ईरान के जो लोग होते हैं उनका खान पान रहन सहन थोड़ा अलग होता है। वही जो अभी तो बना रहा सब रहन सहन, वही खाना पीना, घर का काम है, बस यही काम हम लोगों का, और तो कोई काम नहीं है। फारसी में बात करते हैं, मादरी जबान हम लोगों का फारसी में बात करते। कुछ फारसी में बोलिए, कुछ बताइए। महासिम बतू हिंदुस्तान और चिल बरा सहीजा हसीम, बाकी जिंदगी में तो हिंदुस्तान गुजर शुदा, बाप दादा मुन परदादा मुन के यहाँ का रहने वाला हो गया। अब इसको हिंदी में जरा बता दीजिए जी। हिंदी में हम लोगों का 3-4 पीढ़ी गुजर गया हिंदुस्तान में, और फिर बाद में हम लोगों ने आया तो यहाँ पर बस गया किशनगंज। 15 साल पहले तक ये लोग वैसे ही रहते थे जैसे ये सालों से रहते आए हैं, तंबू लगाकर। यहाँ कई तंबू हुआ करते थे। तंबू में रहने वालों के तौर पर इनकी पहचान थी। वक्त के साथ इनमें ज्यादा बदलाव तो नहीं आया, लेकिन रहने के लिए कुछ झोपड़ियाँ तो कुछ पक्के घर बनवा लिए। इन लोगों के पास अपना कोई लिखित इतिहास नहीं है, जो कुछ है जुबान पर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें विरासत में मिलती रही है, और उसी इतिहास के झरोखे में तंबू में रहना इनकी संस्कृति का हिस्सा रहा है। अब झोपड़ियाँ बनाने पर इनकी दलील है कि तंबू हमारी पहचान है और हम ये जानते भी हैं। ईरान में हमारे पूर्वज कबीले में तंबू में रहा करते थे, लेकिन तंबू के रखरखाव में काफी खर्च होता था, इसलिए हम सभी झोपड़ी नुमा घर बनाने में लग गए।
आज ईरान का शिराज शहर किसी आधुनिक शहर की तरह तरक्की की बुलंदी पर है। लेकिन कहा जाता है कि इतिहास के दौर में यहाँ के लोग खाना बदोश हुआ करते थे। यहाँ कई कबीले थे। कबीले के लोग घोड़े और बाकी सामान बेचने के लिए आसपास के इलाकों में घूमा करते हैं। इस सिलसिले में शिराज के लोग हिंदुस्तान भी आए थे। हिंदुस्तान में उस वक्त मुगलों की सल्तनत थी, जिसकी सरहदें अफगानिस्तान तक फैली थी। उस वक्त ईरान पर्सिया के नाम से जाना जाता था, जिसकी सीमा मुगल भारत से ज्यादा दूर नहीं थी। मुगलों और ईरान के सफाविद शासकों में अच्छे तालुकात थे। आपसी रिश्ते इतने अच्छे थे कि जब मुगल शासक हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था तो उन्होंने ईरान में ही शरण ली थी। ईरान से रिश्तों की यह गर्मजोशी मुगल हुकूमत के दौर में भी रही। इसी वजह से ईरानी सौदागरों का भारत आना आसान था। ये वो दौर था जब जंग घोड़ों पर होती थी। सेनाओं की ताकत घुड़सवार सैनिकों की संख्या से तय की जाती थी। ईरानी घोड़ों की मांग बहुत होती थी। कहा जाता है कि उसी दौर में शिराज के कबीले हिंदुस्तान आए थे। इनकी मादरी जबान फारसी थी और मुगल काल में यहाँ की आधिकारिक भाषा भी फारसी ही थी। इसलिए शिराज के कबाइलियों के लिए कारोबार करना यहाँ आसान था। यहाँ आकर उन कबीलों में से किसी ने कहीं डेरा जमाया तो किसी ने कहीं तंबू ठाना। वो रईसों नवाबों के साथ सौदा करते थे, उन्हें घोड़ा बेचते थे, थोड़े दिन के लिए एक जगह रुकते और फिर बोरिया बिस्तर समेट कर नए सौदे की तलाश में निकल पड़ते। इस सिलसिले में बिहार के किशनगंज में इस जगह इन्होंने अपना तंबू लगाया, जो फिर कभी नहीं उखड़ा। हमेशा हमेशा के लिए ये ईरानी यहीं के होकर रह गए। सबसे बड़ी चीज ये है कि उस वक्त का जमाना कुछ और था और आज के दौर में जब हम लोग अपने पैर पर खड़े हुए तो हम लोग ने ये महसूस ही नहीं किया कि हम हिंदुस्तानी। हम जनरली ये समझते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमने महसूस किया ही नहीं कि हम ईरानी हैं, बल्कि इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि ये आज दुनिया नहीं पहचान रही है कि हम दरअसल हैं कहाँ। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान की ज़िंदगी के अंदर उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनका रहायश, उनकी इज्जत आबरू एक दूसरे के हवाले कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि 18वीं सदी में रेजा खान बंगाल का नवाब था। रेजा खान के पूर्वज ईरान से ही हिंदुस्तान आए थे। रेजा खान ने ही किशनगंज को बंगाल प्रांत के अधीन किया था। तब इसका नाम नेपालगंज था। माना जाता है कि आज मोतीबाग करबला में बसने वाले लोग रेजा खान के ज़माने में ही ईरान से चलकर यहाँ आए होंगे। जब लड़ाई हुआ था मलिक मौसम का ज़माना से, तो हम लोगों का चार आदमी ईरान से आया था। वो चार आदमी ईरान में आकर बस गया हिंदुस्तान में, तो बाल बच्चा वाला सब हो गया इधर ही में। तीन पीढ़ी चार पीढ़ी गुजर गया। आज करीब 1000 की तादाद में ईरानी यहाँ रहते हैं। सालों से ये घोड़े का ही कारोबार करते रहे हैं। इन्हें सौदागर कहा जाता है। अब बदलते हालात में घोड़ों के सौदे करना इनके लिए मुमकिन नहीं रहा, इसलिए इन्होंने अपना कारोबार बदल लिया है। अब ये ताले, चाकू, फोटो फ्रेम, चश्मा, इन तमाम चीज़ों का कारोबार करते हैं। इनमें से कुछ कीमती पत्थरों का भी कारोबार करते हैं। जब आप मोतीबाग करबला के छोटे से ईरान में आते हैं, आपको ईरान से जुड़ी हुई कई शख्सियतों की तस्वीर यहाँ कमरों में, यहाँ घरों में मिल जाएगी, जो ये बताती है कि जो आदमी का रूट्स होता है, जो आदमी का जड़ होता है, उससे एक जुड़ाव हमेशा रह जाता है। आज हमारे साथ हैदर हैं। हैदर जैसे कई युवा हैं जो अब जेम्स का काम करते हैं, और ज़्यादातर जो लोग वहाँ से आए और यहाँ बसे, इन लोगों ने जेम्स को ही अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया और इसको रोज़गार का जरिया बनाया। हैदर, आपके परिवार में आपके पूर्वज भी जेम्स का ही कारोबार करते हैं? हाँ सर, ये जो हम लोग ना पूर्वज से आते जा रहा है जेम्स का काम। पहले जो हमारे पूर्वज थे वो घोड़े का काम करते थे, हॉर्स का। तो ये फिर कुछ जैसे हम लोग का पीढ़ी बदलता गया, तब जेम्स लास्ट हम लोग जेम्स को पकड़ा है। तो इसी में हम लोग जो पुश्त इसी में ख़त्म हो रहा है। अब जेम्स के ये सिलसिला हम ही लोग तक है। जेम्स कलकत्ता जयपुर से ख़रीद के लाता हूँ, वही अगरतला या मालदा रायगंज इधर उधर घूम के अपना रोज़गार चलाते हैं हम लोग। आज भले ही घोड़ों की सौदागरी बंद हो गई हो, लेकिन इनके किशनगंज में बसने की वजह घोड़ों का वो कारोबार ही माना जाता है। इनका वो कारोबार फलता फूलता था खगड़ा मेले की वजह से। माना जाता है कि बिहार के सोनपुर मेले के बाद किशनगंज का खगड़ा मेला सबसे बड़ा मवेशी मेला होता है। खगड़ा के नवाब मोहम्मद फखरुद्दीन ने इसे शुरू किया था। महीने भर चलने वाले इस मेले में सौदागर ईरानियों की अच्छी कमाई हो जाती थी, इसलिए वो लंबे वक्त तक यहाँ तंबू लगाकर ठहरे हुए थे।
अब सालों से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए स्थानीय भाषाएं भी ये सीख गए हैं। फारसी के अलावा इन्हें हिंदी उर्दू भी आती है, कुछ लोग बंगला भी जानते हैं, लेकिन जब भी ये आपस में बात करते हैं तो फारसी में ही बात करते हैं। हम लोग निकलते हैं बाजार में तो पहचान तो ऐसे ही हो जाता है, जो ईरानी आ रहे हैं उन लोगों के चेहरे देख के ही पता चल जाता है, हम लोग को भाषा सुन लेते हैं तो उन लोग को पता चल ही जाता है जो ईरानी लोग आ रहे हैं। तो बाहर में तो हम लोग जब किसी हिंदुस्तानी से मिलते हैं तो कल्चर अलग हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग मिक्स हो जाते हैं हिंदुस्तानी में, मगर घर में रहते हैं तो अपना बस फारसी में बात होता है और अपने एक ये अलग है, यानी कम लोगों के साथ हम लोग का सर बहुत ये रहता है अपने ईरानी में, अपने खुद के धुन में रहते हैं। अच्छा, मतलब ईरानियों की पहचान है कि धुन में रहना है, धुन में रहना है, मगन रहना है, खुश रहना है बस। बड़ी बात है कि सालों से इनके पूर्वज हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहां फारसी नहीं बोली जाती, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी तहजीब को जिंदा रखा है। घर के बाहर निकलते ही इन्हें हिंदी उर्दू में बोलना पड़ता है, लेकिन घर में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई फारसी में ही बात करता है। इनकी ये पहचान बरकरार रहने की एक और वजह है इनका बाहर के लोगों से रिश्ता ना रखना। इतने साल हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी ये ईरानी आपस में ही शादी करते हैं, अपने समुदाय के बाहर यहाँ शादियों की इजाजत नहीं होती। शादी भी आप लोग के आपस में होती है? आपस में होता है और गैर में नहीं होते। इनके यहाँ शादी का तरीका भी वही है जो सालों पहले ईरान में ये किया करते थे। लड़के के परिवार वाले लड़की के घर शादी का रिश्ता लेकर जाते हैं। शादी करने की इस परंपरा के बदौलत इन ईरानियों ने अपनी पहचान जिंदा रखी है, पीढ़ियों से इनकी ईरानी नस्ल बरकरार रही है। इनका पहनावा भी कमोबेश उस वक्त के ईरान की तरह ही होता है। आज भले ही ईरान में बुरके या पर्दे का चलन हो, महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं है, लेकिन किशनगंज में इन ईरानियों में पर्दा रखने की परंपरा बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह है उस वक्त का ईरानी समुदाय, जब ये लोग हिंदुस्तान आए थे ईरान में तब इस पर्दे का चलन नहीं था। साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं के पर्दे का चलन हुआ, इसलिए पुराने ईरान के पहनावे की झलक बिहार के इन ईरानियों में दिखती है। ये कभी ईरान नहीं गए, शायद इस पीढ़ी को पता भी नहीं कि जिस शिराज से पूर्वज कभी हिंदुस्तान आए थे वो आज कैसा होगा, लेकिन ईरान से इनका जुड़ाव बरकरार है। ये ईरान जाकर देखना चाहते हैं पुरखों की ज़मीन। ये बताते हैं कि इंटरनेट पर इन्होंने शिराज शहर को देखा है, लेकिन अब वहाँ जाकर वहाँ की आबो हवा महसूस करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी का हर लहजा ईरानी है, बस ये ज़मीन ईरान की नहीं हिंदुस्तान की है। इनकी रसोई से लजीज ईरानी पकवानों की महक आती है। चेलो कबाब पसंदीदा पकवान है, इनके घर में डेग पुलाव पकता है, तीन वक्त गोश्त खाना इनकी आदत में शुमार है। पागोश्ती, नून और अरहर की दाल, अगर आप ईरान चले जाएँ या मुंबई से कलकत्ता किसी ईरानी होटल में चले जाएँ, ये डिश आपको ज़रूर मिलेगा। और ख़ास करके इस डिश की खासियत ये दाल होती है, ये दाल जिसमें लहसुन अदरक डाल के इसे तैयार किया जाता है, तीखा स्वाद होता है, साथ में पुलाव और ये मटन चिकन जो हो इसे पोगोश्त कहते हैं, पागोश्ती। क्या खास होता है खाने में जावेद? खाने में जस्ट आपको बहुत ही यानी एक्स्ट्रा कुछ फील होने लगा है, कुछ आप बाहर से जब खाते हैं तो उसका मज़ा अलग है और ईरानी डिश का मज़ा ही कुछ अलग है। क्या क्या डिशेज है इसके बारे में समझाएंगे? एक्चुअली इनको ये डिश जो है पागोश्ती इनको कहते हैं, ये एक्चुअली दोनों मिला के पागोश्ती है, ये दाल है, इसमें गोश्त भी पड़ता है। एक्चुअल में हम आप लोग के लिए वैसे नहीं बनाए, ये सिर्फ दाल ही बनाए, और दाल गोश्त बहुत मशहूर है, दाल गोश्त ईरानी ये कहलाऊँ मुझे कि बहुत मशहूर है। दाल में गोश्त डाल देते हैं और तीखा भी लग रहा है, स्वाद इसका तीखा है, तीखा। तो इसीलिए स्पेशली ये बनता ही हम लोग में बराबर, मतलब बिल्कुल बिना रस के ये लटपट चिकन होता है या मटन होता है और साथ में पुलाव। तो पुलाव में भी आप लोग मटर वगैरह डाल के सब्जी डालते हैं इसमें। तो ये ईरानी डिश बड़ा पॉपुलर है? जी पूरा सर, पूरा हिंदुस्तान में पॉपुलर है सर। इसको एक बार खाने के बाद आदमी दिल करेगा फिर दोबारा खाने का। 13 बीघा जमीन के करीब 100 घरों में बसे ये शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इसकी वानगी भी दिखती है मुहर्रम के मौके पर। किशनगंज के करबला इलाके का मुहर्रम सबसे ज़्यादा मशहूर है, इसकी वजह है ये ईरानी। हमारे ठीक पीछे करबला है, ये करबला का मैदान है और इसके आसपास ही पूरी बस्ती है जहाँ पर तमाम ईरानी परिवार रहते हैं। इनकी अपनी एक तहजीब होती है, अपनी भाषा होती है और उस तहजीब और भाषा के अनुसार ये वक्त वक्त पर अपने तरीके से जो कलाम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप? मर्सिया पढ़ते हैं, मजलिसें पढ़ते हैं और इस्लाम है क्या इसकी हकीकत और हक्कानियत को दुनिया के सामने पेश करते हैं। अगर
फारसी में थोड़ा बोलें? फारसी में, हिंदी में ज़्यादातर हम बोल सकते हैं। तो हिंदी में जैसे अभी मौला अली का जो विलादत था, उनका जन्मदिन 13 तारीख को हो चुका था, तो उन्हीं के ऊपर हम उनका शान में कुछ बोलना चाहते हैं, मनकबत है कि जहाँ में नाम अली जो लिया नहीं करते, जहाँ में नाम अली जो लिया नहीं करते, वो हक़ जिंदगी लोगों जिया नहीं करते। इनकी जड़ें भले ही ईरान में हों, लेकिन आज इनको हिंदुस्तान से भी उतना ही लगाव है। आराम से बैठ कर अपना दाल रोटी खाते हैं, किसी से न लेना न देना। कोई भी बात होएगा हिंदुस्तान में, हम लोग उनको कोई कर्ज नहीं है, सिर्फ कर्ज है हिंदुस्तान से। भारत में रहता है, भारत का लोग है हम लोग। अपनी संस्कृति के अलावा ये हिंदुस्तान का हर नियम कायदा कानून मानते हैं। ये अब सालों से हिंदुस्तान के नागरिक बनकर रह रहे हैं, ये वोट डालते हैं, अपने नेताओं का चुनाव करते हैं। परेशानी सबसे बड़ी बात ये होती है ना, लोग हम लोग को आज भी विदेशी कहते हैं। मताधिकार का अगर प्रयोग ना किया जाए तो लोग आज भी हमें विदेशी कहते हैं, और इस सुनकर के एक अजीब सा शर्म महसूस होती है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान के खाने वाले, और हमें इस तरह का अगर वर्ड इस्तेमाल कोई करता है तो कितना चोट पहुंचती है। कानून की नज़र में पूरे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन सालों से इन्होंने अपने तहजीब और तमद्दुन को बरकरार रखा है, अपनी फारसी जुबान को फीका नहीं पड़ने दिया। इसलिए इतने साल हिंदुस्तान में रहने के बाद भी ईरानी मोहल्ले की पहचान के साथ ये किशनगंज में जीते हैं। के नाम इससे के सिवा हम लिया नहीं करते, के नाम इससे के सिवा हम लिया नहीं करते।